बाबा जी पुत्र भी रोंदा है, होयो दी ना भी पी रोंदी है। हांजी अबू जी जे खिदमत विच कोई कमी रह गई नाराज ना होया जे, अबू जी गुस्से ना होया जे, बाबा जी अल्लाह तेरा रोना कबूल कर ले। हांजी अबू जी मैं पुत्रां नू रुला लिया है, अबू जी तेरी खिदमत विच कमी नहीं आन दित्ती, इहनू भी पी रोंदी है। अल्लाह दी कसम है लोगो पुत्र भी पिया रोंदा है, जे जांदी वारी बाप आंदा है रोई ना, होए वीरां नू सामने रख के दुखी ना आवी, होए ना समझी वीर कोठियां आले बन गए। हे पुत्रा तू गरीब है, आंदा अबू जी मैं गरीब कोई नहीं, अबू जी मैं गरीब कोई नहीं, अबू जी मेरे बेड़े तुसी हो, अबू जी मेरे बेड़े तुसी हो। अज पिछे दुआवां करन आली कोई नहीं, अज तेरे वास्ते रोन आली कोई नहीं, अज तेरे वास्ते मुसल्ले पान आली तुर गई आ। अल्लाह दी इज्जत दी कसम में रोन आली आ। हे पुत्र भावे नाराज होवे ते भावे राजी आए, हे मां दियां दुआवां विच वड्डा भी वसदा आंदा है, हे मां दियां दुआवां विच छोटा भी वसदा आंदा है। हे मां दी रब्बा मेरे सारिया दी खैर करी, रब्बा मेरे वड्डे दी भी खैर करी, रब्बा मेरे छोटे दी भी खैर करी। कई ना तालियो मेरा नबी कई साल तू बाद हे मां दी कबर ते गया है शफीक सा, हुण मां नाली गल करन भी कबर ते जाना पैना है, हुण मां नू दुख सुनाण भी कब्रस्तान जाना पैना है। जड़ी फोन करके आंदी सी वे पुत्र शफीक जल्दी आ जाई, वे पुत्रा रोटी खादी अगे कोई नहीं, वे पुत्रा परेशान आयामी तेरी मां जिंदा है। अब्दुल रहमान साहब अज मां न मिलना कोई नहीं, होए अज मां दी मंगी ते नजर आनी जे, होए अज अम्मा दे कपड़े ते नजर आने ने, होए अज मां दा बिस्तर ते नजर आना है। अल्लाह दी कसम है अज वेड़े मां नजर आनी कोई नहीं, होए अज बिस्मिल्लाह कहण आली छुट गई जे, होए अज पुत्रां दे दुख वंडण आली कब्रस्तान टुर गई जे, होए अज पुत्रां दियां तकलीफां सुनण आली टुर गई जे। हुणी शबीर साहब कल्लियां ही रो के चुप कर जाया रे, हुणे दुख वंडण आला कोई नहीं रिया, हुणे सीने लाण आला कोई नहीं रिया। और ये थोड़ी वालदा वास्ते सदका जारी होएगा जिथों तक जाएगी। कोई बंदा मोबाइल से खोल के वेखेगा यार लालपुर शफीक साहब की वालदा साहबा के खत्म दे मौलवी साहब तकरीर भी करते हैं, जिथों तक आवाज़ जाएगी जिथों कोई सुनेगा। बाबा जी कोई सुन के भी अमल कर ले तो फिर भी सवाब हो जाता, कोई सुन के भी अमल कर ले। और अपनी औलाद में दसया करो, अपने पुत्रां नू दसया करो भी पुत्र फिल्मां ड्रामिया तेरे काम नहीं आना, बेहयाई ने तेरे काम नहीं आना। अज सोशल मीडिया का दौर है जनाब, सोशल मीडिया से बेहयाई फैलाई जाती है। और मेरी गल याद रखियो लालपुर वालों, नेकी का काम एडी जल्दी नहीं फैलता जिनी जल्दी बुराई वाला काम फैलता। बुराई वाली वीडियो भी ज्यादा वेखी जाती है और नेकी वाली वीडियो यार इन्हू की करना है। पर हजरात जी वकार सलाम है उन लोगों को जेडे मोबाइल के उत्ते भी अल्लाह की गल सुनते हैं या उसके रसूल की गल सुनते हैं। अज मैं मां की शान के हवाले नाल बाबा जी चंद बातां तुहाडे गोशे गुजार करनिया ने, बड़ी मेहरबानी मुहब्बत नाल सुनिया जे। बजुर्ग सियाने लोग फरमाते हैं कि जिथे भी बंदा जाए दिलों जाए। बाबा जी जान दे दो तरीके होंगे ने, जिथे भी बंदा जाता उदे दो तरीके होंगे ने। तवज्जो फरमाया जी, पढ़े लिखे बंदे बाशाऊर बैठे हो, मैं नुकते तुहानू देने ने कि जिदी मैनू भी समझ आवे तो मेरे बाबियां नू भी आवे ते ना बच्चियां नू भी आवे। बाबा जी दो तरीके जान दे होंगे ने, महफिल ते जाओ, खत्म ते जाओ, किसे ते घर जाओ। एक तरीका होवे कि तुसी घर वाले दे वास्ते जा रहे हो, किदे वास्ते घर वाले दे वास्ते जा रहे हो, उन्हूं वखाण वास्ते जा रहे हो कि वेख लो जनाब चौधरी साहब मलक साहब मुगल साहब असीं आ गए हां तुहाडी वालदा दे खतम दे। एक ये तरीका है, एक तरीका है कि तुसी खुदा की रजा वास्ते जा रहे हो कि या अल्लाह तेनों वखाण वास्ते जा रहे हैं, अल्लाह तू राजी हो जा। बाबा जी जो खुदा की रजा वास्ते या अल्लाह तेनों वखाण वास्ते जा रहे हैं, उहदा फायदा दुनिया उत्ते भी मिल जाता है ते कबर हशर अंदर भी मिल जाता है। हजरात तवज्जो फरमाया जी, ये मां की हस्ती है, मां की चीज़ है। बाबा जी
अज वाजो नसीहत आँदी खुतबा बयान करते सना खान बयान करते अफजल कादरी साहब मेरे भाई कैसा अच्छा कलाम पढ़ रहे सन मां दी शान दे हवाले नाल। बाबा जी जी असा इतों सुन के इधरों कढ़ देना है कोई फायदा है वे? मेरी कोई तकरीर का फायदा होएगा जे अमल नहीं करना जे असा उस गल नूं सीने विच नहीं बिठाना अंदर उहदे ते अमल नहीं करना बाबा जी मैं सारी जिंदगी भी लगा रहांगा मेरी तकरीर का फायदा नहीं होना। और अलहमदुलिल्लाह मैनू बाबा जी रोजाना एक दो लड़के का फोन आता है तो मैं कहते ना भी सुल्तानी साहब थोड़ी तकरीर सुनी है तो मैं अजी अबे को माफ़ी मंगी तो मैं उन्होंने कहना वा शफीक साहब मैं उन्होंने कहना भी मेरी गल नहीं ये मेरे नबी की गल है ये मेरे नबी 1450 साल पहला बाबा जी वंड कर गए हर मसले की हर गल की हूँ कोई बयान ना करे कोई ना सुने तो वो गलती है। यह दीन इस्लाम मुकम्मल है ये वाजे तौर पर बयान कर गया कि माँ को इस जगह पर रखना ही बीवी को इस जगह पर रखना ही पर अफसोस अज साडे ते असी मां की जगह पर बीवी को रख छड़िया तो बीवी की जगह पर मां को रख छड़िया तवज्जो करिया जे बड़ी मेहरबानी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं अपनी गल का जिम्मेदार हाँ मां की जगह पर बीवी है तो बीवी की जगह पर मां है। बाबा जी जिवें मां की इज्जत करनी सी ना अज मुंडे उंज बीवी की इज्जत भी करते हैं रब्बे काबा की कसम मस्जिद में बह के कहना बाबा जी बीवी के अगे बंदा उच्ची भी बोल ले तो गुनाह कोई नहीं ते मां दे अगर अगर उच्ची बोले तो सारिया नेकिया जाया हो जाए जी कौन ये गल सुने तो कौन ये अमल करे बीवी के सामने लख वारी उच्ची बोल कोई गुनाह नहीं मां के सामने तेरी आवाज उच्ची हो गई। अल्लाह ने कुरान 15:12 सूरत बनी इसराइल बाबा जी गल समझ आ जाए मैं मुंड बन ला फिर गल अगू शुरू कर लगा। अल्लाह ने 15:12 अंदर ऐलान फरमाया ये मां बाप बाबा जी ऐसी हस्ती है अल्लाह ने इन्हों के नाल गल करन दा भी तरीका दसिया तवज्जो करे जी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ने इन्हां नाल कलाम करन दा भी तरीका दसिया भी गल किवें करनी है बीवी बुलाए तो जी ते अम्मा बुलाए तो हाँ हाँ अम्मा बाबा ये तरीका नहीं मां नाल गल करने दा मैं क्या या अल्लाह तू दस मां नाल गल किवें करनी बाबा जी मां हस्ती ऐसी अल्लाह ने तरीका दसिया कुरान अंदर जाओ कुरान उठा के मेरे सामने लैके आओ जे तर्जमा ना हो तो मैं जुर्मदार हाँ। अल्लाह फरमांदा उफिम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा अल्लाह फरमांदा जदों तू अब्बे दे सामने आ जाए जदों तू अपनी मां दे सामने आ जाए या अल्लाह की करा उची बोला या आस्ता बोला या अल्लाह किस लहजे नाल बोला या अल्लाह किस तरह गल करा अल्लाह फरमांदा जदों तेरे सामने वालदैन होवे तेरी मां होवे तेरा बाप होवे फिर गल पता किवें करनी है या अल्लाह किवें अल्लाह फरमांदा कोई गल तैनू कर दे ना अगो उफ भी ना करी जिन्हों समझ लगी बाबा जी तवज्जो फरमाए अगो उफ भी ना करी उफ लफ्ज़ की है बाबा जी अब्बा को गल कवे मां को गल करे तो मुंडा ना आपे कर लैने अब्बा जी तुहानू कॉल पई रही अम्मा जी तुहानू कॉल पई रही आपे कर लैने अल्लाह फरमांदा यह भी ना आखी या अल्लाह की होएगा अल्लाह फरमांदा मैं नाराज हो जाने जे तू मां दे सामने उफ भी की थी अल्लाह की कसम उठा के ना जे मां दा मर्तबा पूछना ही तो मुहम्मद अरबी नूं पूछ जे मां दा मर्तबा पूछना ही तो करबला दे शाह हुसैन नूं पूछ जे मां दा मर्तबा पूछना ही इमाम जलालुद्दीन सयूती नूं पूछ जे मां दा मर्तबा पूछना ही दाता अली हजवेरी नूं पूछ जे मां दा मर्तबा पूछना ही बाबा फरीद गंजे शकर नूं पूछ ते बाबा जी मियां मुहम्मद बख्श खड़ी दे ताजदार ने नक्शा बयान किया और आपने रूह तड़पा के रख छड़ी जे गल तू अंदरों सुनी जे अंदरू रूह न तड़पी तो बाबा जी कोई गल खड़ी दे ताजदार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है ते मियां साहब फरमांदे ने सदा ना बागी हे बुली बुल बोले हे लालपुर विच बैन लियो सदा मैं बोली बोली बोले तो जो थे सदा न बाग बहार है सदा न मे जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी सदा हे हुसैन नजवाने सदा ना मापे हे सदा ना मापे हुसैन नजवाने
ਜਿੱਥ ਸਦਾ ਨਾ ਸੁਹਬਤ ਯਾਰਾ ਏ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਹੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਏ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਏ ਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਜਾਏ ਆਖੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਿੜਕਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋ ਜੋ ਹੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਆ ਨੇ ਹੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਨੇ ਹਰਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਹੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾ ਹੇ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹੇ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹੇ ਨਾ ਤਲਿਓ ਹੁਣੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਰੇ ਹੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਹੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੇ ਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੇ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਏ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਏ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਅਰਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਜੁਮਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਣ ਲਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਏ ਹੋਏ ਮਾਂ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਗਈ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਮੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਸ਼ਫੀਕ ਮੁਗਲ ਸਾਹ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੇ ਮਾਏ ਪੁੱਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲਾ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਏ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ ਹੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇੜੀਓਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੈ ਫੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੇ ਨੀਲੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਮਾਲਿਕਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਡ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੀ ਹੇ ਸ਼ਫੀਕ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਦਾ ਦੇ ਖਤਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਆਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਏ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੀ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੀ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕਾ ਹੋਏ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨੇ ਆਇਆ ਏ ਰੁਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਮੂਸਾ ਜੀ ਰੱਬਾ ਮੂਸਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਈ ਅੱਜ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੂਸਾ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਗਈ
अल्लाह की इज्जत की कसम रोण आ पुत्र भावे नाराज होवे भावे राजी आए हे मां दियां दुआवां विच वड्डा भी वसदा आंदा है हे मां दियां दुआवां विच छोटा भी वसदा आंदा है हे मां दी रब्बा मेरे सारियां दी खैर करी रब्बा मेरे वड्डे दी भी खैर करी रब्बा मेरे छोटे दी भी खैर करी कहीं ना तालियो मेरा नबी कई साल तू बाद हे मां दी कबर ते गया है शफीक साहब हुण मां नाली गल करन भी कबर ते जाना पैना है हुण मां नूं दुख सुनाण भी कब्रिस्तान जाना पैना है जड़ी फोन करके आंदी सी वे पुत्र शफीक जल्दी आ जाई वे पुत्रा रोटी खादी अगे कोई नहीं वे पुत्रा परेशान आयोवी तेरी मां जिंदा है अब्दुल रहमान साहब अज मां नूं मिलना कोई नहीं हो अज मां दी मंजी ते नजर आनी जे हो अज अम्मा दे कपड़े ते नजर आने ने हो अज मां दा बिस्तर ते नजर आना है अल्लाह दी कसम अज वेड़े मां नजर आनी कोई नहीं हो अज बिस्मिल्ला कहन आली छुट गई जे हो अज पुत्रां दे दुख वंडन आली कब्रस्तान टुर गई जे हो अज पुत्रां दियां तकलीफां सुनन आली टुर गई जे हुण शबीर साहब कलियां ही रो के चुप कर जाया रे हुण दुख वंडन आला कोई नहीं रिया हुण सीने लाण आला कोई नहीं रिया ओए लख दुनिया तसल्ली दवे हे लाल पोरा लियो मावा मावा ही आंदियां ने हे मावा मावा ही आंदियां ने हे मावा मावा ही आंदियां ने अल्लाह दी कसम लगा मैं यतीम गलियां विच रुल दे वेखे ने मैं यतीम लोगां दियां ठोकरां खांदे वेखे ने ते आंदे ने लोगा ओए मां नूं दुखी ना करी आज ओए मां मर जाए सुकून मुख जांदे ने ओए मां मर जाए लोगां मामे छड देंदे ने ओए मां मर जाए चाचे बाबे छड देंदे ने ओए आंदे ने इन्हें की सानू कहना है अज मां दी कदरी करी यार मियां साहब आंदे ने मां मरे ते पे मुक दे सुनियो यार समझियो मां मरे ते हे सजना मां मरे ते हे माई पे मुक दे हाथा वीर मरे वेड़ा वेला सजना पाप मरे ते बाबा जी पाप मरे ते मोहे मदी बख्शा थे उजड़ जांदा जे मिला पाप मरे ते जी जी बड़ी मेहरबानी मेरे वल तवज्जो कर यार बाबा जी छोटी ईद दिन मैं तैयार हो गए ईदगाह दी तरफ जा रहा अल्लाह दी कसम शफीक साहब दर्दे दिल नाल जुमले सुन यार जे सीना न रोवे ते गल कर यार बाबा जी अठ साल दा मासूम बच्चा है तोचो अठ साल दा मासूम बच्चा है कली दे बैग मिट्टियां दे बैग पिया रोंदा है यारां दे कपड़े वेख वेख रोंदा है हे अपने यारां दियां जुत्तियां वेख वेख रोंदा है नौजवाना मैं बच्चे नूं सीने लाया है मैं क्या पुत्रा अज ते खुशी दा दिहाड़ा है अज रोण की वजह बनदी कोई नहीं हे लाल पोरा लियो बच्चे दियां चीखां निकल गईयां हराग मेरे हाथ चमदा है हांदा मौलवी जी रबे काबा दी कसम होए पता मैनू भी आवे होए अज खुशी दा दिहाड़ा है अज ईद दा दिहाड़ा है फिर रो के आंदा मौलवी जी
ये दुनिया ने दस दिता है होई ताइयो ना दिया यों दिया जे जिन्ना दे वेड़े माँ जिंदा यों दिए होई ताइयो ना दिया यों दिया ने जिन्ना दे वेड़े माँ दस आया यों दाए हना सुल्तानी साला दी कसामे है माँ जिंदा सी मेरे कपड़े मैले नहीं सियोन देंदी तवज्जो जी है माँ जिंदा सी मैनू गंदी जुती नहीं सी पान देंदी मैनू नहला के सुरमे पांदी रही है मैनू तेल ला के कंगियां कर दी रही है मैं ख्याया जी क्यों रोना है होया ना की करा जिन्ना दिया मावा जिंदा ने पियो दी उंगली लग के जा रहे जिन्ना दी माँ जिंदा है शफीक सा ईमानदारी नाल दस यार हो ईद दिहाड़ा आंदा सी असी छोटे छोटे आने सा बाबा जी चांद रात आंदी सी है मैनू दसो सारी रात जागदा कौन सी है सारी रात है माँ कदी कपड़े इस्त्री कर दी है कदी छोटे दियां जुतियां पालिश कर दी है वही औलाद सो जांदी सी बाबा जी मां नूं नींदर नहीं सी आंदी कदी कपड़े वेंदी सी कदी छोटे नाल ला के वेंदी है कदी वड्डे नाल ला के वेंदी है ते आंदी है मेरे पुत्तर नूं सोहणे लगणगे हे जुत्ती मेरे पुत्तर दे पैरां विच चंगी लगेगी रौण लिया है वक्त बदल गए ने जड़ी मां पुत्र दे नाल जुत्ती ला के वेंदी सी जड़ी मां पुत्र दे नाल कपड़े ला के वेंदी सी अज पुत्र कोल टाइम कोई नहीं अज आखे अम्मा दस केड़ा सूट चाहिदा अम्मा तेरा पुत्र चौधरी बन गया अम्मा तेरा पुत्र मालदार बन गया नहीं अम्मा अज मंग की लैना आई हरो के कदी मां दे पैरी डिग जाया रे आखिया जे अल्लाह दी कसम होए नौजवाना अल्लाह तेरा रोना कबूल कर ले होए दुख मोइया मामा आले नु आंदे बाबा जी मेरिया तकरीरां करनियां भी सौखियां ने तुहाडियां तकरीरां सुननियां भी सौखियां ने पर लाल थोड़ा लियो हे मां मर जाए मुड़ के आंदी कोई नहीं हे मां रुस के कब्रस्तान टुरी जाए मुड़ आंदी कोई नहीं हे मां नूं नाराज ना करी यार मां नूं दुखी ना करी यार जड़ी तेरे पिछे वीर छड़ के आ गई आ जड़ी तेरे पिछे मां प्यो छड़ के आ गई आ बाबा जी वीरां दे ने जा सानू रख या औलाद नूं रख जे जुमले ना आउण मैं जुर्मदार आ मैनू ईमानदारी नाल दसिया जे बाबा जी साडियां मावां पेके जान अगू वी रखणियां साडे घर यार या अपनी औलाद नूं रख लै अल्लाह दी कसम ना अखां नाल वेखिया है बाबा जी मैं रोंदी मां वेखी है मैं तड़पदी मां वेखी है हे वीरां दे सामने हथ बनदी है हांदी है वीरो तुसी मेरे ते नाराज ना होया जे वीरा तुहानू छड दिया मेरा गुजारा हो जांदा जे है जे मैं छोटे छोटे छड दिया रुल जानगे होए गलियां विच खजल हो जानगे सूफी जी रब्बे काबा दी कसम है हे मां भावें किसे मौलवी दी होवे हे मां किसे पीर दी होवे अज जिथे पहुंचिया पिछे कोई दुखी मां दुआ करदी होएगी थे आंदी है वीरा जाओ मैं छड दिता है हे पेकियां दा वेड़ा छड़ना बड़ा मुश्किल होंदा रे अल्लाह दी कसम है बाबा तवज्जो कर यार हे बुढ़िया मरदियां मर जांदियां ने ओए फिर भी मां प्यो दा वेड़ा नहीं छड़दियां फोन करके पुछदियां रहंदियां ने अम्मी जी मेरा अबू ठीक है अम्मी जी मेरे वीर ठीक ने ओए किस मां नूं रुलांदे हो ओए किस मां नूं दुखी करदे हो हुने तेरे ते पिछे मां वाला वेड़ा छड़ दिता है हुने तेरे ते पिछे बाबलू वाला वेड़ा छड़ दिता है निया साहब आंदे ने वीर वीरांदे जी जी बाबा जी वीर वीरांदे है धरती होंदे
अंदरों अंदरों सुननी है इतो नहीं वीर वीरां दे वीर वीरां दे जदों मां दी मैया दुठी होएगी दवी वीर जफा मार के दे रोंदे आणगे आंदे आणगे वीरा हुण गल ना करी वीरा मेरे नाल नाराज ना होवी हुण सुला करान आली खड़ी नहीं हो हुण जफे मरवान आली कोई नहीं हो अल्लाह दी कसम है मां दी सारी जिंदगी गुजर जांदी जे हे वड्डे नु छोटे नाल मलांदी रहंदी है छोटे नु वड्डियां नाल मलांदी रहंदी है ते सारियां नु वेड़े बुला के वेख वेख के राजी होई जांदी है ते आंदी है पुत्रा मेरे जोंदियां लड़िया जे ना वे पुत्रा मां दे जोंदियां एक दूजे नाल गल ना करिया रे हे वीर वीरां दे हे दर्दी होंदे जी बाबा जी बंदे रो पैंदे ने हे वीर वीरां दे हे वीर लड़न वास्ते नहीं आंदे हे वीर एक दूजे नु कतल करन वास्ते नहीं आंदे हे बुढ़िया दी आखे लग के वीरां नु नहीं छड़ीदा हे यारां दी आखे लग के वीरां नु नहीं छड़ीदा हे लोकां वीर वीर आंदे ने हे वीर वीर आंदे हे वीर परेशान आवे दुख वीरां नु आंदा है हे वीर दुखी आवे दुख वीरां नु आंदा है हे वीर बीमार जाए परेशानी वीरां नु आंदी है हे तेरे मां जम्मे ने हे वीर वीरां दे मलक साहब अल्लाह दी कसम रो उतर भी जांदी जे हे वीर वीरां दे सजना वीर वीरां दे हे दरीदी होंदे हाथां वीर वीरां दियां आ मेरे वाले देखिया जे हाथां वीर वीरां दियां पावा हे बाप सिरां दे हे बाप सिरां दे हे ताज मुहम्मदी थे मावा ठंडिया छावा बाप सिरां दे बोलो बाप सिरां दे ताज थे मावा ठंडिया जिन्हां दियां जिंदा ने ना वो तकरीर सुन के भी उन्हें असर नहीं होना क्यों उन्होंने हजे झटका नहीं लगा उन्होंने वो वेला नहीं आया कसम खुदा की रोन आ लिया जे मां की कदर पूछनी है तो फिर उन्होंने पूछ जी छोटे आंदे तुर गई सी तो यह भी पुत्र मैं वेखने बाबा जी रबे काबा की कसम रो के मैनु आंदे मैं तकरीर करना तो मैनु आंदे मौलवी जी असी रोने तावे रज के मां का चेहरा भी नहीं वेखिया असा तो मां का मुख भी नहीं वेखिया मां का प्यार नहीं वेखिया गल्लां सुनी दियां ने मौलवियां कोई मां इन्ना प्यार करता असी आने रब्बा का साड़ी मां भी होंदी साढ़े नाल इन्ना प्यार करती अज सानू सीने लांदी अल्लाह की कसम लालपुर की जामिया मस्जिद विच बहन आ पुत्र दुखी आवे ना बार दुखी परेशान आवे दरवाजा खड़कावे मां दरवाजा खोले तो पुछदी पुत्र की हाल है पुत्र आंदा अम्मा मैं ठीक हाँ कहंदी नहीं लगता नहीं जिन्हें अजमाया गल उन्होंने जेड़े वेखना आयो गल उन्होंने नहीं अजमा के वेख लो बाबा जे मैं झूठा होया तो मैं जुर्मदार आख्या अम्मा मैं ठीक हाँ आंधी नहीं मैं लगता ही नहीं तू नहीं ठीक तू परेशान है क्यों एक क्लास भी ना मां पढ़ी हो पुत्र का चेहरा पढ़ ली तवज्जो करो बाबा जी मैं बड़ा वाला जुमला बोलिया जी एक दिन भी मां स्कूल ना गई हो बाबा जी पुत्र का चेहरा वेख के आंधी तू परेशान है परेशान वो आंदा मैं अम्मा नूं परेशान नहीं करना अम्मा मैं ठीक हाँ तू ना टेंशन ले ते बाबा जी जे ना ना दसे ते मां सारी रात सौंदी नहीं सोचती रहिंदी पता नहीं मेरे पुत्र नूं की होया पता नहीं मेरे पुत्र नूं केड़ी परेशानी शफीक साहब अब्दुल रहमान साहब अल्लाह की कसम अजमा के तुसां अजमाया होना कि जिन्ना तक पुत्र दस ना ना लवे मां नूं सुकून नहीं हुंदा मां नूं सुकून ही नहीं हुंदा वो परेशान रहिंदी दिल विच परेशान रहिंदी मैं मंजर अखा नाल वेखिया जेडे पुत्र मावा नूं छड्ड जांदे ने ते मावा गलियां विच रुल के मर जांदे ने ओए मावा
कसम खुदा दी शरीकां दे बूहे ते नहीं जांदियां साडे पुत्तर दी बेइज्जती ना होवे, मां उत्थे रुल के मर जांदी। मैं अपनी अखां नाल वेखिया, फिर तुहानूं सुना रहा, तुहानूं दस रहा, सारी दुनिया छड्ड दे, सारी दुनिया, जे मां दी वारी आए ते मां नूं ना छड्डी, मां नूं सीने ला ले, मां नूं सीने ला ले। हज़रत जी वकार आखिरी गल कर लगा, तवज्जो नाल समात करिया जी। मैं चाहना कि मैं मुआशरे से बोला, मुआशरे दियां बुराइयां जिहड़ियां साडे अंदर पाईयां जांदियां ने, लोग सुनन और पता लगे। जिहड़ा नाफरमान है बाबा जी, हो सकदा किसी नूं अकल आ जाए, किसी नूं शऊर आ जाए। तो जिन्हें बुढ़ी दे आखे लग के महीना हो गया, अम्मा नूं नहीं बुलाया, क्योंकि उहदी बुढ़ी ने आख्या सी तेरी माँ चंगी नहीं, तो उहने बुढ़ी दे आखे लग के मान लिया वी मेरी माँ चंगी नहीं। बाबा तुसी ईमानदारी नाल दसो, किड्डा कु वड्डा चौधरी है, किड्डा कु वड्डा अकलमंद बंदा है जिहड़ा बीवी दे आखे लग के आखे मेरी माँ चंगी नहीं, वह किड्डा कु बादशाहूर ते अकलमंद बंदा है। बाबा जी बुढ़िया तो कहंदियां रहिंदियां, कसम खुदा दी तेरी माँ जिन्नी मर्जी भी चंगी बन जाए, एक ना एक दिन तेरी बीवी ने कहना नहीं चंगी, इन्हें तो मैंने सुख का सार नहीं लैन दिता। बीवी नूं अपनी जगह पर रख, तो माँ नूं अपनी जगह पर रख। तेरी माँ जे रुस गई ना, मेरिया पगड़ियाँ, मेरिया दाड़ियाँ, मेरिया नमाजा, हर चीज़ बाबा जी मेरे मुँह से वज जाए। अल्लाह ने फरमाया, जा मैनू नहीं तेरी लोड़, तू माँ नूं दुखी कर छड़िया, तू माँ नूं रुला छड़िया। बाबा जी परसों मैनू बारू फोन आया सऊदीया तो एक मुंडे का, अंदर कारी साहब मैंने 15 साल हो चले ने सऊदीया आया। किन्ने साल? अक्सर बार तकरीर सुनते हैं तो फिर वो रोंद ने बहर बह गए, परदेसा में बह गए। अंदर कारी साहब मैं थोड़ी तकरीर सुनी तो मैं 15 साल हो गए, मैं बाहरों आया तो मैं 5-6 साल हो चले ने, मैं माँ ने सीधे मूँह गल नहीं की थी। सुनो यार, बड़ी मेहरबानी, हो सकता किसी के दिल में मेरी गल उतर जाए, कोई अमल हो जाए, भाई शफीक साहब की वालदा की बख्शिश हो जाए। बाबा तकरीर गल होती जी अगले के दिल से असर करे, अगले ने पता लगे कि वाकई यार गल ठीक हो रही। तवज्जो करे, वो फोन करके मैं आता, कारी साहब मैनू कोई वजीफा दसो कि मैं माँ ना गल करना चाहना, मैं माँ ना गल करना चाहना। बाबा जी प्यो जिंदा हो तो माँ अपने बंदे गलबात सुना लेंदी है, परेशान नहीं होंगी, कहती ठीक है मेरा साथी मौजूद है। तो जो प्यो भी टुर जाए तो उन्हें किनू सुनानी? पुत्रा नू सुनानी है ना, उन्हें कि बाहर किसी शरीकिया ने जाके सुनानी, तो पुत्र की गल हक बनता ना जी। अम्मा उची भी बोलिया, अम्मा होर बोल, असी तेरी सुनिया ने, होर किन्ने सुनिया ने। बाबा जी तवज्जो फरमाए, मैं उन्होंने कहा 2 नफल पढ़ की कर, तवज्जो करे गल बड़ी सुनने वाली, 2 नफल पढ़, 2 नफल पढ़ के सजदे च जाके दुआ कर, आखिर अब्बा मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मेरी माँ मेरे ते नाराज है, या अल्लाह मेरी माँ मेरे ते राजी कर दे। जे तू अंदरों माफ माफी मांग ली, अल्लाह तेन माफ कर छेगा। बाबा जी तवज्जो करे, और दूसरे दिन वो मैं कॉल आ गई शाह तो बाद, मैं कह लगा सुल्तानी साहब मुबारक होए। मैं क्या की होया? कहिंदा अज मैं घर फोन किया, माँ आप ही पियांदी सी, मेरी गल तो कराओ मेरे पुत्र, मेरी गल तो कराओ मेरे पुत्र। 2 दिन पुत्र फोन ना करे तो माँ टेंशन में आ जाती, अज तू बीवी नूं फोन करके माँ ना गल ही ना करे, अज तू बच्चा नूं फोन करके अपे ना गल ही ना करे। वो यार ये तेरे सहारे पे जींदे ने, इन्हां ते सारा कुछ तेरे नाल आ छड़िया, फैक्ट्रियां तेरियां, जमीनां तेरियां, ट्रैक्टर तेरे, हवेलियां तेरियां। कसम खुदा दी मैं प्यो वेखे ने 3-3 दिन भुखे रह ले, उन्हें औलाद नूं भुखा नहीं रहन दिता, उन्हें औलाद नूं कमी नहीं होण दिती। सुनियो गल बाबा जी, कहिंदा मेरी माँ ने मैनूं आप ही कहा तो मैं फोन विच रोई जाना, तो मेरी माँ दी क्यों रोना है? कहिंदा अम्मा मैं रोना तां वां, मैं तैनूं बड़ा दुख दिता है। ते बाबा जी माँ दियां अखां विच अत्थरू जारी आवे, ते माँ रो कहिंदी है सिख पुत्तरां दी शफीसा सिख पुत्रां दी हेटाई होंदी, के कहन लोग सियाने करी उजेल पहने
आंदा सुल्तानी साहब मैं रो के मां नु आखिया नी अम्मा मैनू दस केड़ी चीज चाहिदी आ नी अम्मा तेरी बड़ी मेहरबानी अज पुत्र नाल गल कीती आ ते आंदा मेरी मां दियां चीखां निकल गईयां ने फोन विच रो के आंदी है मैनू कोई चीज नहीं चाहिदी वे पुत्रा मरण तू पहला एक वारी आ जाई हे मां दे जान तू पहला एक वारी मेरे सीने लग जाई हे पुत्रा मैनू सारी दुनिया मिल जाएगी रो के आंदा करी साहब अल्लाह दी कसम है अज वेला आ गया है अज वेला आ गया है अज वक्त आ गया है मैनू फोन करके रोई जांदा है हाय मैं क्या क्यों रोना है आंदा सुल्तानी साहब मेरी मां मर गई जे हे मौलवी जी मेरी ठंडी छां मुक गई जे रो रो के आंदा है आंदा मौलवी जी इना कमाइयां नु की करना है इस दौलत नु की करदा है ओए अज वेखण वाली जिंदा ही रही कोई नहीं ओए अज मेरियां कोठियां वेखण वाली टर गई आ रो रो के बाबा जी फोन विच रोंदा है हाना मौलवी जी मैं तुनों गल सुना ना मैं अपने वीर नो फोन कीता है हाय मैं किया मैनू दस जांदी वरी मां की आंदी रही है बाबा जी जुमले सुने यार हाय सीने फट जांदे ने हांदा सुल्तानी साहब मेरा वीर फोन करके रो के आंदा है हाय आंदा वीरा 15 साल हो गए ने हाय तो मां कोलो दूर होया है हाय जांदी वरी मां नाले रोंदी रही है नाले आंदी है पिंड लियो मेरा परदेसी बुला लो हे लोको मेरा पुत्र लायो हाय जांदी वारी मां दे सीने लग जाए हाय जांदी वारी मैनू प्यार कर जाए हे बाप मरे ते हे सिर नंगा होवे हाथा वीर मरे कंड खाली हे मामा बाजी हे सजना मामा बाजी हे मुगल साहब मामा बाजी मोहम्मद बख्शा थे कौन करे रखवाली कौन करे बोलो कौन करे रखवाली ये मां ही होंदी जिहड़ी औलाद दी रखवाली कर लैंदी होर कोई नहीं होंदा अल्लाह दी कसम उठा के ना गल आखरी कर लगा मैनू शफीक साहब दी तरफ हुक्म है कि 1 बजे तक तुसीं बयान करना है गल आखरी ये ते मां दी शान सुन अब्बे दी शान दी गल सुना छड़ी जिन्हें बाप बैठे बोलो सुभान अल्लाह ये ते मां दी शान सी ना हुण आओ तुहानूं तुहाडे अब्बे दी शान सुनावां मैं अपने अब्बे दी शान सुनावां कि बाप दी शान की है बाप दा मकाम की है बाप दा मर्तबा की है रब्बे काबा दी कसम उठा के ना एचडियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हो बाबा जी अज लोकी मावां दे पिछे लग के प्योवां नूं वी छड्ड दिंदे जे मेरे कोल सारी केस होंदे ने ते फिर मैनूं दुख हुंदा फिर मैं लोकां नूं दसना नहीं यार जे मां दा अदब जरूरी है ते फिर प्यो दा अदब वी फिर बाप दा अदब वी जरूरी है चकवाल गया यह गल सुनो 10-12 मिनट के अंदर मैं अपनी तकरीर वाइंड अप कर लगा तवज्जो करिया ये बड़ी शफीक साहब अब्दुल रहमान साहब बड़ी मुहब्बत फरमाते हैं तो इन्हों का हुक्म भी मनना तवज्जो फरमाया जी अजान तो पहला पहला इंशाल्लाह दुआ भी करनी है तवज्जो फरमाया जी गल सुनने वाली मैं शफीक साहब चकवाल गया प्रोग्राम से 2 साल पिछले रबीउल अव्वल च बाबा जी सर्दी सी बड़ी चकवाल चौंक के अंदर जो गड्डी पहुंची तो यह गल सुनो एक बुढ़ा जहा बाबा जी की तकरीबन 80-90 साल के एड़ गेड़ उम्र से चादर लैके ना उत्ते तो सोटी लैके तो उत्ते खड़ा चौंक के अंदर मैं गड्डी खिलार के मैं क्या बाबा जी कितले जाना जी मैं क्या हो सकता कितले सफर करना हो जाना हो बाबा जी गल सुनो बाप आखे ना पुत्र पुत्र पानी डाया जी आंदा अब्बा तू तो मेरे पिछे प्यार आना अब्बा तेन तो बोलन का नहीं पता अब्बा तू मेरी बिस्ती 11 में कर छी वो तेरे यार अगे ने कि तेरा प्यो अगे हो तवज्जो करो अगले दिन सियालकोट बाबा जी मुंडे ने खुदकुशी कर ली जुमला खुदकुशी वजह की भी मेरे अबे ने मेरे यारां विच मैनूं जुत्ती मारी ओ मैं ना अल्लाह की कसम है तेनू मार भी छड़दा ना तेरा प्यो
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਪਿਓਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ। ਅਬੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੱਢੋ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੇ। ਅਬੂ ਜੀ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਫੁੱਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਕਲ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਘਾਟਾ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੌਂ ਜਾ ਪਿਆ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਯੂਰਪ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਬਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਬਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਫਸੀਰ ਇਬਨੇ ਕਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਐਂ ਜੱਬੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਓ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰੇ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 25 ਸਾਲ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਕੈਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਣਾ ਸੁਣੀ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ, ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਵੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕਿਬਲਾਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤਬਲੀਗ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ।
बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जज सुनते हैं, हो सकता किसी को समझ में आ जाए। अपा मेरा तो जमीन जायदाद विरासत थोड़ी, हुण मेरे वाल वेख। बाप आख लगा पुत्र चंगा फैसला किया, तू तो पहले ही गरीब है, तो तू मैनू लै लिया तो तू जमीन भी हिस्सा नहीं लिया। उन्हें कहा बाबा मैं सुनिया मैं कि जिदे वेड़े बाप आ जाए उहदे वेड़े रब की रहमत आ जाती है, जिदे वेड़े बाप आ जाए। यकीन तो कर यार, तू अपना यकीन तो मजबूत रख, लख तेरे वीर कोठियां बना के अमीर हो जाए, तू नहीं भी अमीर कोई नहीं, जे अब्बा तेरे घर है, जे मां तेरे घर है, तू गरीब नहीं हो सकता, तेरी कंड नहीं लग सकती। बाबा तवज्जो फरमाए, उन्हें बाप ने चुकिया घर लै गया, घर जाके ना मेरे वाल तक्यो, बीवी के सामने हाथ जोड़े, उन्हें कहा मेरे हथां वेख, तू मेरे घर की घर वाली है, तो मैं वीर को प्यो लै आया। बाबा जी जो वीर को मां बंदा लै आए प्यो लै आए तो फिर दुख होवे तो उही ताने मार देना, बड़ा लैके गया सी अबे नूं, यह बड़ा अम्मा नूं संभालन लैके गया सी, हुण दवाई भी नहीं लिया सकदा, यह मेहने भरा मार देने भरावां नूं, अल्लाह की कसम है बाबा जून नहीं देंदे, यह बड़ा बनिया सी, मैं अबे दी वेख हुण अबे तूं दवाई भी नहीं लिया के देंदा, जे वह नहीं लिया के देंदा तो तुहानूं की, तुसीं कि लिया दित्ती, जिहड़ा थोड़ी बहुती करता पे बाबा वो पिछे भी पर चढ़ गए, ओदी भी तोहीन पे कर दे। हुण बाबा जी जुमले तवज्जो नाल समाधि कर यार, हे मां बाप की आंदा है, बाबा जी सब नाली छोटा पुत्र बाप नूं लै के शफीक साहब वेड़े आ गया है, हां के आंदा अल्लाह लोक मैं वीरां कोलों बाप लै के आ गया वा, हे जिन्नियां गल्लां करनियां ने मैनूं कर लई, मेरे अबू नूं कुछ ना आखी, हे मेरे बाप दे सामने उची ना बोली, लाल पोरा लिया बीवी दिया चीखा निकल गई, बाबा जी हवा दे कदमी डिग पई है, आखन लगी रोना जे अब्बा तेरा है फिर बाप मेरा है, जे अपा तेरा आए है, नस्ली बुढ़िया आन गल इंज दी कर दया, चंगी मां दी थी होवे गल इंज दी कर दी, उन्हें आखिया परेशान आई, जे इज्जत तेरी है इज्जत मेरी है, जे शान तेरी है शान मेरी, बाबा जे अपा तेरा आए फिर बाप मेरा है, इनू मैं फुलां दी तरह रखांगी, बाबा जी फिर तारीख ने मंदिर वेखी आए, सब नाली पहला रोटी पकांदी जे शफीक साहब बच्चे रोंदे रह जांदे, सब नाली पहला सोरे कोल आंदी है, आके आंदी है अबू जी रोटी खा लो जी, बाबा अबू जी पानी पी लो, बाबा जी नाले बुढ़ा बाप रोटी खांदा है, नाले अपनी नौ दे सिर ते हाथ रखदा है, आंदा दीए अल्लाह तनु दुख ना आउण देवे, अज मैनू रोटी खिलाने वाली है, हाय अल्लाह तनु परेशानी ना आउण देवे, अल्लाह की कसम है बाप वाले बैठे होए हो, हाय अज बीवी नु समझाया रे, हे बीवी है मेरे अबू नु कुछ ना आखिया जे, मेरे बाप नु तंग ना करिया जे, सुनो यार जदों इहनी गल कीती है, हाय अल्लाह की कसम है अद्धी रात नु बाप उठिया है, बाबा जी ओदी बीवी उठ के बह गई है, हांजी अबू जी दसो पानी चाहिदा है, अबू जी दसो केड़ी चीज चाहिदी है, हुण गल सुनी पूरी, बाबा जी जदों इहनी गल होई है, रब्बे काबा दी कसम है, हे कहे ना तलियो बाप दा आखरी वेला है, बाप ने नूं नूं भी बुलाया है, बाप ने पुत्र नूं भी बुलाया है, आख लगा पुत्रा तू मेरा सब नालों गरीब पुत्र है, वे पुत्रा सब नालों माड़ा पुत्र है, तेरा बाप टुर चलाई जांदी वारी दुआ कर चलावा, बाबा जी पुत्र भी रोंदा है, होयो दी ना भी पी रोंदी है, हांदी अबू जी जे खिदमत विच कोई कमी रह गई नाराज ना होया जे, अबू जी गुस्से ना होया जे, बाबा जी अल्लाह तेरा रोना कबूल कर ले, हांदी अबू जी मैं पुत्रां नूं रुला लिया है, अबू जी तुहाडी खिदमत विच कमी नहीं आउण दित्ती, इहनू भी पी रोंदी है, अल्लाह दी कसम है लोगो पुत्र भी पिया रोंदा है, जे जांदी वारी बाप आंदा है रोई ना,
होए वीरां नूं सामने रख के दुखी ना आवी होए ना समझी वीर कोठियां आले बन गए हे पुत्रा तू गरीब है हांदा अबू जी मैं गरीब खोई नहीं अबू जी मैं गरीब खोई नहीं अबू जी मेरे बेड़े तुसी हो अबू जी मेरे बेड़े तुसी हो बाबा जी बाप दा आखरी वेला है हे बाप ने जांदी वारी पुत्र नूं जफा मारी आए जफा मार के चीख मार के रोया है हांदा रब्बा चमां विचों ही कोई चंगाई आए आए हे ना चमां विचों ही कोई चंगाई हे ना चमां विच मेरा ही कोई आ हरपा मेरे गरीब दी कंड ना लगन देवी बाबा जी सुनियो हरपा मेरे गरीब दी कंड ना लगन देवी उठूं आवाज आई रोना जेड़ा पाप दा हो जाए रबो दा हो जांदा रोई ना गल मुक चली तोड़े अथरू दस जेड़ा प्यो दा हो जाए रब दा हो जांदा बाप टुर गया बाबा जी दुनिया तो टाइम मुक गया गल मुकान लगा बाप टुर गया बाप नूं दफन करके आया सुता अद्धी रात हुई ख्वाब विच को आया उठो जी कौन तुसी आ गल पूरी सुनियो यार तवज्जो ने जी तुसी कौन उन्हें कहा मैनू छड्ड फलानी जगह ते रुपया पिया ही चुक लै आए हाय हाय हुण गल सुनी अल्लाह तोड़े अथरू कबूल करे गल अंदरों पे करना तो दिल दस्त करे इतों तकरीर नहीं इतों तकरीर उठ जी बाबा जी एक रुपया पे चुक लै वो लालची नहीं सी जे लालची होंदा तो प्यो नूं लैके ना आंदा आए हाय जुमले वक्त वजह नहीं जे लालची होंदा तो प्यो नूं ना लैके आंदा लालची नहीं सी उन्हें आख्या बाबा जी एक रुपया जी बरकत है वे उन्हें कहा कोई नहीं उन्हें कहा रहन दे दूसरी रात आई ख्वाब विच फिर वही बाबा उठो उत्थे पैसे पे नहीं पांच रुपये पे बरकत है कोई नहीं तीसरी रात आई पहली रात दस दूसरी रात पांच तीसरी रात उन्हें कहा जा एक रुपया पे चुक लै उन्हें कहा बाबा जी बरकत है उन्हें कहा बड़ी बरकत है ए पूरी पैसों नाल नहीं पैंदी पूरी बरकत नाल पैंदी हाँ मैं लखां कोठियां वाले वेखे ने रोंदे कसम खुदा दी करोड़पति सुकून ही कोई नहीं बाबा जी बच्चों की टेंशन बीवी की टेंशन एडी एडी महंगी गड्डी ते बैठने अंदर सुकून कोई नहीं अंदर सुकून उदों ही होंदा जिन्हें माँ प्यो की खिदमत की होवे जिन्हें इन्हां दी सेवा की होवे ओ गरीब भी होवे अंदर सुकून होंदा टाइम मेरे को थोड़ा मैं गल मुख्तसर करना पिया तवज्जो करे उठिया बाबा जी ने रुपया चुकया उस जगह तो आ गल मुकन लगी जी चुकया उन्हें कहा रुपये तो मैं की करना फिर सोची पिया कोई कहने वाला कहता पे बरकत है तो बरकत है वाकई होनी है बाबा जी बाजार गया मछली लई कार लैके आ गया शफीक साहब कार आके बीवी ने पता क्या आंदा वो रुपया मैं चुकिया ही तो आ मछली लैके आया ए दो टुकड़े कर इन चाक कर तो पका मैं भी खाना तो तू भी खाने तो अल्लाह का शुक्र अदा करने जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी गल तुम समझ आ गई शुक्र अदा करने आ मेरे वाल तक वो बीवी छुरी फड़ी जदों बाबा जी मछली तां पेंड चाक कीता जी जी मछली दे दो टुकड़े कीते ने बाबा जी मछली दे पेट विचों जेड़ा गंद निकलदा है उस गंद विच अल्लाह ने दो हीरे रखे हुए ने उस गंद विच दो हीरे रखे हुए ने दो हीरे रखे हुए ने बीवी ने हीरिया नु वेखिया लैके खामद कोलो आ गई आखन लगी अल्लाह लोका ए वेख मछली दे पेट विचों की निकली आए हीरा लैके बाजार गया जाके सुनियारे नु आंदा एदी कीमत ला दे तवज्जो करी अज एदी कीमत ला दे उन्हें आख्या चलिया ए हीरा कित्थों लियाई उन्हें आख्या गल छड कीमत ला उन्हें आख्या जे कीमत की गल करना है फिर पूरे बाजार विच दी कीमत कोई नहीं आए जे गल करना उन्हें कहा होर कोई उन्हें कहा होर भी नहीं दे सकता उन्हें कहा फिर लैके कितने जाओ उन्हें कहा बादशाह को लैके जाओ ओ आओ प्यो दी खिदमत करने वाले यार रिजल्ट कदा लगा मैं गल दा जे निचोड़ ना कटा तो मैं जुर्मदार हाँ तुहाडे दिल विच गल ना बिठावा जुर्मदार हाँ तवज्जो करिया उन्हें हीरा लिया बादशाह को बादशाह नूं कहण लगा हीरा उन्हें सुनियारे नूं कहा उन्हें कहा बादशाह नूं पुछ कित्थों लिया ये दुनिया का नहीं लगदा
ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਊਂਠ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 30 ਊਂਠ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲਾਲਪੁਰ ਆ ਲਿਓ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ 50 ਊਂਠ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਲਾਲਪੁਰ ਆ ਲਿਓ ਓਏ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਊਂਠ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਓਏ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵੇਂਦੇ ਜੋ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਿਓ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਬ ਦੀ ਤਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਗੈਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜੀ ਗੈਬ ਦੀ ਤਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡੋਲੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫੀ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ ਲੈਓ ਯਾਰ ਲਾਲੀਪੁਰ ਲਿਓ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਲੈਓ ਯਾਰ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਦੀਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ
ते जिस दिन फेर मिला गे और मियां साहब फरमांदे ने तुर गए ने दिल दाया रिदिला दे तुर गए ने है लोका तुर गए ने है तुर गए ने तुर गए ने मैं दिल दा मोहारा उजड़ी बस्ती है लोका उजड़ी बस्ती है नजीरी आवे थे कंड दिती जद यारा